हे गाइस, तो यार लास्ट वीडियो के कमेंट्स में काफी सारा रिक्वेस्ट आया है कि जोनाथन वर्सेस गॉब्लिन के ऊपर वीडियो बनाओ। वैसे यार अभी मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ एंड ये वीडियो मैं कल ही पोस्ट करने वाला था, बट फिर मैं सोचा कि हड़बड़ी में वीडियो डालने से ज्यादा अच्छा है कि रिसर्च करके क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड किया जाए। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जोनाथन वर्सेस गॉब्लिन के टॉप 10 मूवमेंट्स जहाँ पे उन लोग का 1v1 फाइट होता है। साथ ही साथ हम लोग दोनों के पॉइंट्स भी काउंट करने वाले हैं। तो यार लेट्स गो। फाइनल सर्कल, फाइनल फाइट, ये बुलावा दे रहा है टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक के उस फाइट को जो हम सब देखना चाहते हैं। दिस इज गोइंग टू बी इंटेंस, यस इट इज गोइंग टू हैपन। लेट्स गॉड वर्सेस अक्षत, नियो वर्सेस ओमेगा, गॉब्लिन वर्सेस जोनाथन। क्या यहाँ पर टीम सोल चिकन डिनर लेके जा सकते हैं? नियो के ऊपर स्प्रे लिया गया एंड वो कनेक्शन पे निकाल रहे हैं। गॉब्लिन एक नॉकआउट भी क्योर कर जाएंगे। 3v3 का फाइट, फाइनल सर्कल अभी हमें देखने का मौका मिल रहा है। देखिए इसी फाइट का इंतजार करती है मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स की गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल, हमें क्या एंड सर्कल में देखने मिलेगा। तो जी हाँ, तो ही टीम यहाँ पर बच रही है, लेकिन किसके पास जाएगा चिकन डिनर? क्योंकि अभी मैं पर्सपेक्टिव पर पहुंच रहेगा, लेकिन गॉब्लिन रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक फिनिशेस, लेकिन जोनाथन अभी भी बरकरार है। जोनाथन की तरफ से अगर कोई कवर फायर, अगर रिप्लिकेट मान लीजिए, अगर कोई रिटेलिएशन आता है तभी टीम सोल को पीछे धकेला जा सकता है यहाँ पर। बिल्कुल, लेके ग्रेनेड यहाँ पर टॉस आउट किए जा रहे हैं। जोनाथन अभी भी बने हुए, वो कोशिश कर रहे कि इस ड्रॉप के पीछे से पोजीशन निकाले। ग्रेनेड आएगा, कनेक्शन मिलेगा जरूर, 40% एचपी लॉस करवाई गई है। गॉब्लिन का नॉकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लच गॉड के लिए, जोनाथन के लिए, बट आई बिलीव अभी जो फाइनल फाइट है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है जोनाथन के परफॉर्मेंस के ऊपर। चार्ज किया जा रहा है जोन के बाहर, जरूर जोनाथन यहाँ पर अवेलेबल है। Oh, not again. Soul versus Godlike. It's up here. It's again happening. This is a Soul versus Godlike जो कि देखने को मिलता हुआ। Z-God बिल्कुल सामने की तरफ, अक्षर के ऊपर थोड़े बहुत मिसाइल जरूर करते हैं। पुकार की बात करें, FS के क्लच को डाउन करेंगे, लेकिन ओमेगा की एचपी थोड़ी सी कम। आदित्य दूसरी साइड से सोल अक्षर को देते हुए दिक्कतें। ओमेगा इज डाउन एज वेल। Godlike इज ऑन अ रैम्पेज मोड राइट नाउ एंड सोल डज नॉट वांट दैट टू हैपन, क्योंकि अगर ऐसा होता है आज के दिन के अंत में नंबर्स गेम बदल सकता है। Godlike के चारों खिलाड़ी जीवित हैं और इनको जाना है सर्कल में, आराम से जाएंगे। बट सोल देखते ही देखते आईजीएल को इन्होंने खोया है। अब गॉडलाइक की मूवमेंट हो जरूरी है, गॉब्लिन के हाथ में M4 उनके हाथ में यहां पर देखने को मिलती है और साथ में 3 times भी है, थोड़े बहुत शॉट्स ये जरूर जा रहे हैं। नियो कैन बी टेकन आउट एंड यस, उनकी एचपी लो, उनको डाउन किया जाएगा गॉब्लिन के द्वारा, लेकिन वो गाड़ी के ऊपर ही रहेंगे। ओह माय गॉड, गॉब्लिन फ्रॉम वन साइड जस्ट वेकिंग हैवॉक, बट Z-God, इट वाज Z-God, ओह नो 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 नो। चलिए भाई, भी एक और फाइट, एक और आइकॉनिक फाइट स्टार्ट होती नजर आ रही है। सोल वर्सेस गॉडलाइक, जोनाथन रहेंगे सामने, सामने कौन? टीम सोल फॉल बैक करना चाह रही है, बट जोनाथन ने नियो का फिनिश पॉइंट अपने नाम कर दिया। गॉब्लिन वर्सेस जोनाथन, गॉब्लिन वर्सेस जोनाथन, ये फाइट मैं जरूर देखना चाहूंगा। हेड ऑन बैटल, एडीएस खोलेंगे जोनाथन के पास एंगल और डीपीएस इस रेंज से गॉब्लिन को यहां पर किया है डाउन। टीम से फाइट लेती हुई दिखती है, बट इस बार कंपाउंड होल्ड कर रही है और इस बार जो फाइट है वो टीम सोल की तरफ से आती हुई देखने को मिलेगी। टीम सोल के द्वारा एक स्लैम इन जाता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपाउंड के अंदर एंट्री हो चुकी है। क्या अब यहां से टीम सोल का सर्वाइवल पॉसिबल हो पाएगा? टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल, ये दो बेहतरीन टीमें, इनके बीच एक फाइट की शुरुआत। यहां कुछ ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कुछ ओपनिंग निकाल पाएंगे? गॉब्लिन अपने आप को फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेकर आ चुके हैं, उन्हें पता है टेरेस के ऊपर एक खिलाड़ी है और वो खिलाड़ी रहेंगे जोनाथन। एक ग्रेनेड के साथ वो पीछे जंप कर चुके हैं और वो उस ग्रेनेड के साथ क्या गॉब्लिन बनाएंगे? गॉब्लिन के ऊपर ग्रेनेड, बट वो बाल बाल बचने में कामयाब हुए और जोनाथन यहां अभी भी एक ग्रेनेड के साथ देखने को मिलते हैं। एंटर को डाउन किया जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ और भी कुछ ग्रेनेड्स आ रहे हैं जिसके साथ जोनाथन की भी एचपी काफी कम। देखिए फायदा क्या मिल रहा है गॉडलाइक का, वो सभी एक कंपाउंड में नहीं थे, वो थोड़े स्कैटर्ड हो रखे थे, घेर सा लिया है टीम सोल को और ये मुश्किलें आ सकती। Z-God आगे गए, नॉकआउट करा, अब मेरे ख्याल से टीम सोल का बच पाना मुश्किल मुझे नजर आ, लेकिन गॉब्लिन है तो अभी भी मुमकिन हो सकता है। ये खिलाड़ी क्लच के लिए जाना चाहते हैं, सिचुएशन अभी इसके विपरीत मुझे नजर आ रही है। कोशिश करेंगे गॉब्लिन कि अगर हेक्टर को रिवाइवल दे पाएंगे, लेकिन जब तक नियो है उस कंपाउंड के रूफटॉप में तो शायद वहां पर बच पाना काफी मुश्किल टास्क था। गॉब्लिन अगर सर्वाइव करना चाहते हैं तो नॉकआउट निकालना पड़ेगा। टीपीपी के जरिए उन्होंने देख लिया खिलाड़ी को, क्या नॉकआउट मिलेगा? जी हाँ, Z-God इसी बीच नॉकआउट हो जाएंगे, थोड़ा टाइमिंग डिफर हो गई। Godlike versus team Soul, the battle between two giants, and by the looks of it, शायद team Soul के दो खिलाड़ी knocked out हैं यहाँ पे। अभी अगर हम बात करें टीम गॉडलाइक, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे इस फाइट को अपने हक में निकालने का। टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक, ये फाइट है जो कि हमारी जनता ने बहुत ज्यादा चाहती देखना। आप देखते हैं जीत के कौन सी टीम निकलती है, आप सपोर्ट कीजिए अपनी टीम को, बट सेंस से ही
टॉप अगर आप यहां से बात कीजिएगा तो आप देख सकते हैं जोनाथन जो कि वेट कर रहे हैं, हील अप करने की कोशिश कर रहे हैं, रेडी रखना चाह रहे हैं खुद को, पर वो ऑलरेडी आगे बढ़ते दिखने वाले हैं। थर्ड पार्टी सिर्फ आपको कई बार फायदा नहीं देती है, कई बार आपको नुकसान भी देती है और इस बार नुकसान हुआ है। गॉब्लिन यहां ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जोनाथन को वहां डाउन करने की। जोनाथन की पोजीशन ऑलरेडी यहां कॉम्प्रोमाइज है, ग्रेनेड्स लगातार स्पैम कर दिए जा रहे हैं। गॉडलाइक के दो खिलाड़ी दोनों थोड़ा थोड़ा स्प्लिट खेलते हुए, एक प्लेयर काफी पीछे देखने को मिल रहा है, वो दूसरी टीम से फाइट लेता हुआ नजर आ रहा है। रेकनिंग के खिलाड़ी को शायद वहां पर डाउन किया गया है, बट गॉब्लिन यहां जोनाथन को एक शानदार 1v1 की फाइट के अंदर डाउन करेंगे और काफी अच्छा गेम प्ले यहां पर गॉब्लिन की तरफ से देखने को मिलेगा। बैन किया जा रहा है जोनाथन को, ये काफी शानदार कोशिश गॉब्लिन की तरफ से और एक और नई राइवलरी की शुरुआत। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग BGMI खेलते हो एंड आप लोगों को चाहिए फ्री उसी RP परचेस करने के लिए, क्रेट ओपनिंग के लिए, गन्स के स्किन्स के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, तो यार चिंता मत करो, आपका भाई है ना यार, मैं आप लोगों को दिलाऊंगा UC, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि भाई अपना खुद का एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर में लॉन्च है, जहां से आप लोग को UC मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री में। यार ऑलरेडी बहुत सारे लोग इधर से UC रिडीम कर चुके हैं, तो यार आप लोग भी जाओ, डिस्क्रिप्शन आप लोग को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बट दिस इज टू अनप्रेडिक्टेबल, सोल कटका लूट करके ना वो साउथ जाके वो आ गए थोड़ा नॉर्दर्न साइड में, DBS का फटका शैडो ने जरूर दिया है, जोनाथन अकेले बचे हुए हैं, ग्रेनेड कुक कर रहे हैं वो, बट क्या वो ग्रेनेड डालेंगे? देखिए दूर से भी स्प्रे आएगा, ज़िगॉट हो चुका है खत्म, शैडो भी यहां पर एलिमिनेट किया गया है, क्लच गॉड को भी एलिमिनेट किया गया है। ये अकेले सोलो प्लेयर क्या कुछ मिराकल करके दिखा सकते हैं, एक प्लेयर को जरूर शैडो ने नॉकआउट किया था, बट ये फाइट आप देखिए गॉड लाइक लूट करके बस आई ही थी यहां पर रोटेशन लेने के लिए, बट गॉब्लिन को यहां पर किया गया खत्म, किया जाएगा जरूर। Yes, गॉब्लिन को किया गया पूरा का पूरा क्लीन ऑफ, जोनाथन ग्रेनेड को कर रहा है, अक्षत को ऑलरेडी स्पॉट कर चुके हैं, अगर ग्रेनेड जगह पे जाके पड़ती है अक्षत को किया गया है नॉकआउट। यहां पर टीम सोल वर्सेस गॉड लाइक, जोनाथन के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। देखिए जो करना है मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी जोनाथन को करना पड़ेगा, अभी के लिए गिल दूर है और वो स्कूटर का इस्तेमाल करके काफी जल्दी आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जोनाथन यहाँ पे एक प्लेयर को स्पॉट करते हुए एक फरारी पीक के साथ नॉक भी करा जाएगा, गॉब्लिन भी आने की कोशिश करें, एक 1v1 सिचुएशन में गॉब्लिन वर्सेस जोनाथन, काफी शानदार बैटल ये हो सकता है। अगेन लुक एट द जिगर देयर, लुक एट द ब्यूटीफुल जिगर, जोनाथन इज एब्सोल्युटली ऑन फायर, बट अभी भी चार्ज करना है टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक, हियर वी गो। वेल ये तो बहुत ही कमाल की बैटल होने वाली है, क्योंकि दोनों को जोन में जाना है और दोनों यहाँ पे एक दूसरे को वल्नरेबल सिचुएशन में पकड़ना चाहते हैं, एक प्लेयर जरूर नॉक करा जाता है, गिल के रूप में यहाँ पे एक कैजुअलिटी मिल सकती है टीम गॉडलाइक को, बट स्लोली एंड स्टेडली गिल भी कवर में आ जाएंगे, उनका भी रिवाइवल काफी जल्दी शुरू हो सकता है। टीम सोल अटैक करता है गॉब्लिन के बैक टू बैक नेड्स, पीओपीओ को यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है एंड गॉडलाइक बैकफुट पे जरूर जा सकता है अगर एक अच्छा नेड ये वाला जो गॉब्लिन का कनेक्ट होता है, तो रिवाइवल करने की कोशिश जरूर थी, बट टीम सोल दे आर पुशिंग एंड दे आर रशिंग एंड दे आर ट्राइंग एंड लेवल दैट एंड टीम गॉड लाइक दे आर ऑन द बैकवर्ड, एचपी बहुत कम, क्लच गॉड अगेन यहां पे बहुत लो एचपी के साथ नियो खत्म कर दिए जाते हैं, क्लच गॉड द लास्ट मैन स्टैंडिंग, गुड गॉड भी अटैक किया जाता है गॉब्लिन, ओह माय गॉड टीम सोल व्हाट अ बैटल। जोनाथन कितनी देर से बचे हुए हैं, उनकी पूरी टीम जब 14 टीम्स अलाइव थे तब एलिमिनेट हो चुके हैं, अपने टीम को टॉप 4 में ला चुके हैं जोनाथन, अभी भी ये खिलाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेंगे। जली को फिलहाल वापस से एक और ग्रेनेड जाएगा, लेकिन जोनाथन भी यहां पर अभी की तरफ ये ग्रेनेड जाने के चांस रहेंगे, क्या अक्षत हेक्टर एंड गॉब्लिन वर्सेस जोनाथन देखने का मौका मिलेगा, 1v3 का मौका है जोनाथन के पास, टीम सोल विद अ 13 फिनिश गेम, 14 फिनिशेस गेम, टीम सोल के लिए एक बेहतरीन चिकन डिनर। सो यार गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो यार अब आप लोग मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कि भाई आपका कौन है फेवरेट, एंड ऑल्सो ये भी बताओ कि भाई नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो देखना है, एंड डेफिनेटली उसके 1-2 दिन के अंदर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। बाकी यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।